हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चैन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेबल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजिशन बनाए तो इन लेबल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी जो भी स्ट्रेटजी है उसको डिजाइन कर सकें। एट द सेम टाइम हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में भी। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर में आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी मिलते रहते हैं, और साथ में हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो इंट्राडे का ट्रेड्स था वो हमने किस बेसिस पे, किस टेक्निकल के बेसिस पे या लॉजिक के बेसिस पे लिया, उसे भी हम आपको एक्सप्लेन करें। हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे तक पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो विल स्टार्ट विद दी इंडिया वीक्स। और इंडिया वीक्स आपको मालूम है, इंडिया वीक्स के बारे में हम फिलहाल के टाइम पे बात कर रहे हैं काफी, और काफी दिन से हम इंडिया वीक्स को फॉलो कर रहे हैं। इंडिया वीक्स चार्ट पे ही देख लेते हैं। सो इंडिया वीक्स के बारे में दोस्तों अगर बात करें, दो दिन से अच्छा कूल ऑफ देखने को मिला था इंडिया वीक्स के अंदर में। इनफैक्ट आज भी अच्छा कूल ऑफ हुआ था, और जिस लेवल की हम बात कर रहे थे 67, उसके नीचे तक गया था। कल के वीडियो में हमने इस लेवल के बारे में बात किया था। सो उसके नीचे भी गया था, और ऐसा लग रहा था कि हो सकता है बॉटम बन गया हो, लेकिन आज कुछ अलग ही रिएक्शन देखने को मिला मार्केट के अंदर में, इनफैक्ट इंडिया वीक्स के अंदर में। ये रिएक्शन क्या था? आप कभी भी कोई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी देखिए, उस टाइम पे आपको दिखेगा जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली होती है तो उसके एक हफ्ते पहले से इंडिया वीक्स ऊपर चढ़ना चालू होता है, और जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी खत्म होती है इंडिया वीक्स नीचे आ जाता है। आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी तो नहीं थी, बट गवर्नर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इतना मालूम था। 3 दिन पहले ही जब हमारी एफएम ने बात किया था तो वहां पे उन्होंने बोला हुआ था, और ये प्रेस रिलीज भी हुआ था कि कुछ एक्शन आरबीआई लेगा, और ये एक्सपेक्टेड था कि फ्राइडे सैटरडे को एक पीसी होगी। आज पीसी हुई, लेकिन वो पीसी के बाद में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में इंडिया वीक्स ऊपर चला गया वापस से। सो देखेंगे उसे किस तरह से हमारा चार्ट के ऊपर में इंपैक्ट कर रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को उसने किस तरह से इंपैक्ट किया उसके ऊपर देखेंगे। बट फिलहाल इंडिया वीक्स कुछ कूल डाउन तो दिख रहा है, 101.14 पॉइंट का आपको कूल डाउन देखने को मिलेगा यहाँ पे इंडिया वीक्स के अंदर में। तो इंडिया वीक्स ने क्लोजिंग दिए 70.39 के आसपास में दिए। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। सो दोस्तों, अगर निफ्टी 50 के बारे में बात करें, सो निफ्टी 50 स्टार्टेड अराउंड 8,949, मिड लो ऑफ 8,522 एंड हाई ऑफ 9,038। कल का वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कट बोला था कि निफ्टी एक बार 9,000 आकर रिवर्सल देगा। रीजन है उसके पीछे, मैं आपको चार्ट पे उचित समझाऊंगा। और क्लोजिंग कल हुई थी 8,641 के आसपास में। दिन भर का स्विंग कितना हुआ? दिन भर का स्विंग लगभग आपको 480 पॉइंट्स के आसपास का स्विंग दिन भर में देखने को मिला है निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी ओपन अराउंड 20,801, मिड लो ऑफ 19,580, हाई ऑफ 21,462 एंड क्लोज अराउंड 19,969। 20,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी है। बट दिन भर में मूवमेंट कितना दिया है? दिन भर के अंदर में अगर हम मूवमेंट करें, मूवमेंट की बात करें, माफ करिएगा, निफ्टी ने 516 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया हुआ है एंड बैंक निफ्टी ने 1,882 पॉइंट्स का मूवमेंट दिन भर के अंदर में दिया हुआ है। सो निफ्टी 516 एंड बैंक निफ्टी 1,882 पॉइंट्स, आजकल ये नॉर्मल देखने को इतना मिलता ही है हमें। सो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। क्लोजिंग ठीक ठाक हुई है, लेकिन क्लोजिंग को रिलेटिवली अगर हम देखेंगे, 3-4 दिन के मुकाबले में रिलेटिवली देखेंगे, सो वो कैसी क्लोजिंग उसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम चार्ट पे एक्सप्लेन करेंगे, जिसके बारे में चार्ट पे बात करेंगे, उसे मिस मत करिएगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। आज 1 अप्रैल 20,000 पी मैंने सेल नहीं किया था, इनफैक्ट बाय किया था, और मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसे बाय करने के लिए मैंने बाय किया था, तो मैंने वो ट्रेड दिया था कि मैं इसे बाय कर रहा हूँ। क्या रीजन था इसे बाय करने का? एक तो जितने भी एक्शन या जितने भी बोले ना एक्शन लिए गए हैं आरबीआई गवर्नर की तरफ से, एक्चुअली बहुत अच्छे एक्शन लिए गए हैं, लेकिन ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि इतना होगा। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन चल रहा था कि शायद से जो आरबीआई रेट कट करेगी वो 1 पॉइंट तक हो सकता है, यानी एक पूरा 1 रुपए की 100 बेसिस पॉइंट्स कम हो सकता है। वैसा कुछ देखने को नहीं मिला, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 50 के ऊपर भी रहे तो ठीक ठाक होना चाहिए। 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया,
मार्केट में 3 दिन से कंटिन्यू रैली चल रही थी, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आना ही आना था, इनवाइटेबल था, प्रॉफिट बुकिंग आया। सो मैंने इसे थोड़ा नीचे जाते हुए देखा, देन आई अंडरस्टूड कि ओके अब ये गिरने वाला है, और चार्ट पे पैटर्न भी बना रहा था कि गिरने वाला है। सो बेसिकली इसके लिए मैंने 20,000 पी बाय किया हुआ था। आफ्टर दैट मेरे ख्याल से कुछ 1280 के आसपास में लिया गया था, और देन उसके बाद में अगर बैंक निफ्टी अप्रैल इस पर्टिकुलर ऑप्शन की बात करें तो इसने हाई कितना बनाया वो भी देख लेते हैं। 1639 पॉइंट्स का हाई भी बनाया उसके बाद में। सो अगर चार्ट भी देखेंगे तो चार्ट पे भी ये क्लियर कट दिखेगा हमें, इनफैक्ट चार्ट देख ही लेते हैं। सो अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट के ऊपर में क्लियर होगा कि कितने पॉइंट्स का हाई बना हुआ है आज के दिन में, और ये देखिए कुछ 1639 ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको। ये मॉर्निंग में हमने 10 बजे के बाद में ये कॉल लिया हुआ था, लगभग लेट्स से अराउंड 10:15 के आसपास में कॉल लिया था, तो इस लेवल के आसपास में हमने इसे बाय किया था, 1100-1200 के आसपास में बाय किया था। उसके बाद में ये लेवल देखने को मिला है, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है क्लोजिंग फिलहाल हमारे बाइंग प्राइस के आसपास में मेरे ख्याल से हुई हुई है, क्योंकि मैंने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर में बाय किए थे, मल्टीपल लॉट्स लिया हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट मेरा एवरेज प्राइस चल रहा था। सो इसके अंदर में हमने प्रॉफिट बुकिंग किया। सो दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फ्यू स्टॉक्स जिसके बारे में हमने कल बात किया हुआ था और एक्सपेक्टेशन था कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा आज के दिन में। सो शुरुआत करते हैं पहले और मुथूट फाइनेंस से बात करते हैं। सो मुथूट फाइनेंस परसों के दिन में हमने बात किया था लेकिन मूवमेंट नहीं देखने को मिला था, देन कल के दिन में हमने मुथूट फाइनेंस के ऊपर में बात किया था, और ये आप देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस में जो कल हमने बात किया हुआ था, हमने जो टारगेट लिया था मुथूट फाइनेंस के अंदर में बेसिकली ओके। सो ये मुथूट फाइनेंस का नहीं दिख रहा है इनफैक्ट, ओके हाँ। सो हमने जो मुथूट फाइनेंस 653 एंड 730 हमने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट गया कहाँ तक, मार्केट 653 नहीं, मार्केट 685 पॉइंट्स तक गया है। सो इसके वजह से जो हमारा टारगेट था 653 का वो अचीव होते हुए दिखा। ये था कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो आपको 557, 499 और 510 के भी लेवल एक बार देखने को मिल सकते हैं। सो मार्केट ने ओपनिंग प्रॉपरली की, मार्केट की अगर ओपनिंग देखेंगे तो मार्केट की ओपनिंग लगभग 628 के आसपास में, और उसके बाद में रैली हुई है, फिर मार्केट गिरा है। सो मुथूट फाइनेंस में हमारा टारगेट अचीव हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट जस्ट डायल। जस्ट डायल के बारे में अगर हम बात करें तो जस्ट डायल के अंदर में हमने कल टारगेट लिया था, उस टारगेट में हमने 311 की बात की थी। अगर किसी तरह का पुलबैक मार्केट में देखने को मिला और अगर फॉल देखने को मिला तो ये लेवल्स की हमने बात की हुई थी, जिसके अंदर में मार्केट ने आज के दिन में 311 अगर हम देखें सो मार्केट ने 320 के आसपास का लेवल दिखाया और नीचे की तरफ 274, यानी अगर मैं 288 और 311 की बात करूं दोनों लेवल्स देखने को मिले हुए जस्ट डायल, तो यहां पे भी हमारा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। बात कर लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। अपोलो हॉस्पिटल में हमने टारगेट लिया हुआ था, लेट्स टॉक अबाउट दैट, 1291 की हमने बात की थी इसके अंदर में, 1215 और नीचे की तरफ 1150 की हमने बात की हुई थी। सो अगर मार्केट नीचे गया तो 1150 दिस वॉज एक्सपेक्टेड। अपोलो हॉस्पिटल हायर लेवल पे ओपन हुआ, इनफैक्ट जो हमारा टारगेट था 1215 उसके काफी ऊपर ओपन हुआ है, एंड देन वहां से नीचे जाना चालू किया और इसने 1140 का लेवल लिया, यानी 1150 का जो हमारा टारगेट था नीचे की तरह वो यहाँ पे अचीव हुआ है। बात कर लेते हैं अनदर स्टॉक की जिसके बारे में, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसके बारे में हमने कल बात किया हुआ था। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में अगर बात करें तो 759 का हमने कल के दिन में टारगेट लिया हुआ था कि अगर कोई पुलबैक हुआ तो ये मिलेगा देखने को, और फॉल हुआ तो ये देखने को मिलेगा। आज श्रीराम फाइनेंस ने ओपनिंग की, ओपनिंग करके सीधा यहाँ से पुलबैक ही देखने को मिला जिस तरह से मार्केट के अंदर में था। सो इसने 813 के लेवल्स भी दिखाए, सो हमारा जो 759 का टारगेट था श्रीराम फाइनेंस के अंदर में वो अचीव हुआ। सो आज चार के चार स्टॉक जो कल के वीडियो में हमने सजेस्ट किए तो चारों के अंदर में हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ओके लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी नाउ। सो इंडिया वीक्स के बारे में बात हो गई, लेट्स क्लोज दिस, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 एक रेंज में ही बोल सकते हैं काम कर रहा है फिलहाल, ये 23rd से फिलहाल के टाइम में 15 मिनट्स का चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। सो ये तो एकदम एक प्लेन लाइन की जैसा नजदीक नजर आ रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट डेली पैटर्न, और ये डेली पैटर्न अगर आप वीडियो रोज देखते हैं तो कल के दिन में क्लियर कट बोला गया था कि मार्केट एक बार 9000 के ऊपर जाके रिवर्सल देगा, एंड जब तक 8962 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक यहाँ पे किसी भी तरह का पुलबैक
एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। हमने ओपनिंग की 9000 के आसपास में, लेट्स से अराउंड 9000 के आसपास में गए भी, लेकिन उसके बाद में हम वहां से गिरे हैं नीचे की तरफ। सो उसके बाद में अगर आप देखें तो हमने कल के दिन, और ये कोई लेबल्स इसमें निफ्टी में कोई लेबल्स हमने चेंज नहीं किया, ये लेबल्स हमने कल ही बात किए थे कि 8962 हमारा, ये देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो 8962 पे हमने ओपनिंग की थी लगभग उसके आसपास में, और वहां से ऊपर जाने के बाद में हम नीचे की तरफ आए हैं, एंड नीचे की तरफ आते समय 8636 के आसपास में आपको सपोर्ट भी, इस लेवल पे सपोर्ट भी देखने को मिला हुआ है। सो फिलहाल के टाइम में जिस तरह से काम हुआ है, डेफिनेटली हमने ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दी है, लेकिन आज पूरा दिन भर का अगर हम काम देखें तो ऊपर के लेवल से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला हुआ है। ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है, एंड आपको आने वाले टाइम में 8344 का एक लेवल देखने को फिर से मिलेगा। दिस इज व्हाट आई फील, अगर मार्केट के अंदर में कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है तो, अगर इसी तरह से मार्केट चला तो 8344 एक बार फिर से देखने को आपको मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। इसके अलावा निफ्टी के अंदर में कोई लेवल चेंज नहीं है, निफ्टी के अंदर में अभी भी 8962 के ऊपर में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। 8637 भी एक 8636 इंपॉर्टेंट लेवल है, 8344 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, 8469 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, दिस आर इंपॉर्टेंट लेवल। और ऊपर की तरफ जाते, नीचे की तरफ जाते समय आपको 8962 के नीचे हम काम कर रहे, तो डेफिनेटली एक आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। 8711 भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, 8300, 8071, 7909 ये एक सपोर्ट का काम करेगा। वाइल्ड मूवमेंट पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं होगा, वाइल्ड मूवमेंट अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि जिस चीज की वजह से मार्केट गिरा था वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, उसका अभी भी कोई सोल्यूशन मिला नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस का, और कोरोना वायरस के नंबर पेशेंट अब 700 क्रॉस कर चुके हैं। सो कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा है, चांसेस अभी भी है मार्केट के गिरने का। तो क्या हम बॉटम बना लिए? अभी तक बॉटम लग नहीं रहा है, बॉटम बना हुआ, क्योंकि इंडिया वीक्स के अंदर में आज नीचे से ऊपर जाते हुए हमें दिखाई दिए, यानी नीचे से जो रिकवरी होते हुए इंडिया वीक्स के अंदर नजर आई है। बात कर लेते हैं निफ्टी का, ऑप्शन चेन के ऊपर में निफ्टी के हिसाब से काम कर रहा है। सो हमारी जो क्लोजिंग हुई है 8660 के आसपास में हुई है, कल से बेहतरीन, कल से तो बेहतरीन क्लोजिंग हुई है, लेकिन इवन दैट चार्ट के ऊपर में इतना अच्छा पैटर्न नहीं है। सो 8660 मीन्स व्हाट मीन्स, हमारा 8700 विल बी अवर एट द मनी। हम बात करेंगे 8700 के बारे में, 8700 की अगर पहले हम बात करें, सो वी कैन सी लगभग 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट इस साइड में, 1,28,000 का हमें ओपन इंटरेस्ट दूसरे साइड में देखने को मिल रहा है, एडिशन 24,000 का, लेकिन यहाँ 1,08,825 का एडिशन, बढ़िया राइटिंग हुई है। अच्छा सेम आप देखिए, राइटिंग आपको अलग अलग स्ट्राइक पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, फिलहाल के टाइम पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है दोस्तों वो 10 लाख, और एक बार चेक कर लेते हैं क्या इससे बड़ा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहीं है, नहीं इससे बड़ा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नहीं है। 9,18,000 हमें 7 लाख पे दिख रहा है, बट विल नॉट टॉक अबाउट इट क्योंकि वो क्लोज नहीं है, काफी दूर है। इसके अलावा 8,50,000, ये दोनों स्ट्राइक पे हमें ध्यान देना चाहिए। 8,500 के ऊपर में अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है, अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, और 8,000 के ऊपर में भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिख रहा है फिलहाल के टाइम पे। सो नीचे जाते समय डेफिनेटली 8,000 आपके लिए एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा, माफ करेगा आपके 8,500 जब जैसे अगर हम नीचे जाते हैं, सो 8,500 आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट का, लेट मी राइट इट दिस साइड, हाँ सो 8,500 आपके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करेगा नीचे जाते समय। अगर वो सपोर्ट टूटा सो आपको पैरेलल सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट में इतना दम नहीं है। सो चांसेस बनते हैं कि 8,300 ऑलरेडी चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं, वहां पे देखने को मिल रहा है हमें, चांसेस बनते हैं कि एक बार शायद हम 8,000 के आसपास में फिर से आवे, ये देखना पड़ेगा एक बार हमें। चार्ट के ऊपर का लेवल इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कॉल साइड में, तो कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, 10,000 के ऊपर में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। हम काम कहाँ कर रहे हैं 8,700 पे, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस 10,000 के ऊपर में 13,53,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 10,63,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 9,500 पे है, और नजदीक में अगर मैं कहीं देखूँ तो मुझे 7,90,000 का इंटरेस्ट और ये 9,000 पे नजर आ रहा है। सो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, एडिशन हुआ है क्या, हाँ 1,05,000 का एडिशन, 6,28,000, 9,26,000 का एडिशन। सो जो बड़ी रेंज निकल के आ रही, जो मतलब ये वीक के अंदर में ऐसा एक्सपेक्ट है कि ये तो नहीं टूटेगा, बड़ी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, बड़ी रेंज आपकी थोड़ा यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिला था 7,000। सो बड़ी रेंज, सेफ रेंज बोले राइटर्स के लिए, सेफ रेंज 7,000 से 10,000 का है, ये राइटर्स के लिए सेफ रेंज है 7,000 से
10,000 का यहाँ पे काम होने वाला है। अब मैं छोटी रेंज के बारे में बात करूँ कहाँ पे काम हो सकता है, सो फिलहाल के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि 8,500 के से लेके 9,000 के बीच में काम हो सकता है एक बार, ये अगर कुछ भी न्यूज नहीं आया ठीक ठाक रहा तो। लेकिन अगर कोई भी न्यूज देखने को मिला आपको तो ये शिफ्ट होके 8,000 से लेके 8,500 के बीच में काम होता हुआ नजर आएगा। ये हो गया निफ्टी के बारे में बात। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी का भी 50 मिनट का चार्ट देख के इतना कुछ ज्यादा आइडिया नहीं आने वाला है। इनफैक्ट चलिए 50 मिनट का चार्ट एक बार देख ही लेते हैं। सो 50 मिनट का चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये रेंज के अंदर काम करते दिख रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर में लेबल्स थोड़े से करेक्शन किए हुए हैं लेबल्स को, तो लेबल्स आपको बैंक निफ्टी के अंदर में एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। सो जो आपको लेबल्स देखने, लेट मी रब इट, क्योंकि लेबल्स में करेक्शन हुआ है। आपको ऊपर की तरफ 21,344 पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। दूसरा रेजिस्टेंस जो अगर आप नीचे आ, क्योंकि हमने क्लोजिंग दिए हुए उसके नीचे, तो 20,565 पे भी रेजिस्टेंस है। एंड उसके नीचे अगर हम देख रहे हैं तो एक और लेवल आपको देखने को मिल रहा है जो 20,300 के आसपास में है। हमने क्लोजिंग दिया लगभग लगभग 20,388 के आसपास में, जहाँ की हमें क्लोजिंग दिखा रही है। अब सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट 19,931 पे है। दूसरा सपोर्ट आपको 19,338 पे है, उसके नीचे गया तो 18,698 पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके नीचे 17,705 एंड एक और लेवल देख लेते तो 16,746, ये सीधा 1,000 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। ये आपको बैंक निफ्टी के अंदर में लेबल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर में। हाँ, ऊपर की तरफ जाएंगे तो कहाँ हो रहा, ऊपर की तरफ जाते समय आपको एक बार 22,500 के आसपास में भी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। ये सारे आपको सपोर्ट का काम करने वाले हैं और ये आपका रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। तो आपकी जो भी ट्रेडिंग होगी इन लेबल्स को ध्यान में रख के किया जा सकता है। चार्ट के ऊपर में बैंक निफ्टी ने जो पैटर्न बनाया हुआ है, डेफिनेटली यहाँ पे भी हमें सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है, क्योंकि जहाँ पे ओपनिंग हुई थी उसके काफी ऊपर जाने के बाद में हमने रिवर्स लिया हुआ है। सो यहाँ पे भी आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों के अंदर में आपको 19,000 के लेवल्स एक बार देखने को फिर से मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है बैंक निफ्टी का। एंड लेट मी गो टू निफ्टी, लेट मी चेक बैंक निफ्टी। हमने क्लोजिंग दिया 19,969 पे, आई थिंक आई सेट 20,000 ईयर 20,388 जो कि चार्ट पे दिखा रहा है, लेकिन हमने क्लोजिंग दी हुई है 19,969 के आसपास में। ओके, 19,969, सो 20,000 जो होगा ये हमारा होगा एट द मनी। पोजीशन देखिए कैसी बनी हुई है एट द मनी पे हमें 1,13,000 का एडिशन है। एंड यहाँ पे 59, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 94 का है, एडिशन 40,000 का है। अगर मैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेक करने जाऊँ तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, 1,75,000 कोई हाईएस्ट फिलहाल के टाइम पे बात मानना पड़ेगा हमें, जो कि 22,000 पे काम कर रहा है 1,75,000। एडिशन भी ठीक ठाक कुछ 59,000 का यहाँ पे एडिशन देखने को मिला, उसके नीचे भी 68,000 का एडिशन हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे 1,22,000 का ओपन इंटरेस्ट है, यानी 23,000 सेफ बेट 23,000 का करके बैठे हुए हैं लोग। 1,11,000 21,000 पे है फिलहाल, आज हम गए थे वहां पे। जो पुट साइड की बात करें तो पुट साइड के अंदर में 1,43,000 का आपको पोजिशन दिख रहा है जो 17,000 पे है। एंड उसके बाद में आपको जो ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा 1,10,000 का, दो जगह पे है ये 1,10,000 का ओपन इंटरेस्ट। एडिशन 19,000 में ज्यादा हुआ है, 18,000 में कम एडिशन नजर आ रहा है। और उसके बाद में सो ये तीन स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है। सो रेंज कहाँ पे निकल के आ रही है, रेंज जो समझ में आ रहा है, जो बड़ी रेंज है, बड़ी रेंज आपकी 17,000 से 23,000 तक है। 17,000 से 23,000 तक आपकी बड़ी रेंज निकल के आ रही है। छोटी रेंज क्या है, अभी 20,000 के आसपास में काम कर रहे हैं, 1,000 पॉइंट्स का मूवमेंट हम दे रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। सो आप 19,000 से लेके 21,000 तक का एक बार रेंज पकड़ के चल सकते हैं, 19K से 21K तक का एक बार रेंज पकड़ के हम काम कर सकते हैं फिलहाल के टाइम पे। सो ये हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी चार्ट के ऊपर में नेगेटिव है, ऑलरेडी मैंने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। लेट्स गो एंड लेट्स टॉक अबाउट कुछ शेयर्स जो
मंडे के दिन में थोड़ा काम करते हुए नजर आएंगे। सो दोस्तों, एक तो शेयर हमारे पास में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ही है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फिलहाल ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की बात कर रहे हैं। सो अगर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया है आज के दिन में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर इसको पहले रफ कर लेते थोड़ा सा, और ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू हुआ और एक पुल बैक रैली फिर से देखने को मिली, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में आपको फाइनेंस के अंदर 924 से लेके 825 का भी एक बार लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर किसी भी तरह का फॉल देखने को मिला तो फॉल के अंदर में ही आपको 584 के लेवल्स भी दिखा सकता है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्री अच्छा काम कर रहा है फिलहाल के टाइम में। बालकृष्ण इंडस्ट्री यहाँ पे अगर मुझे पुल बैक देखने को मिला तो मैं पुल बैक के अंदर में 887 का टारगेट एक बार देख सकता हूँ। एंड अगर ये पुल बैक पे हुआ, अगर फॉल हुआ तो फिर कौन से लेवल्स आ सकते हैं मेरे सामने, 815 के लेवल्स आ सकते हैं। मैं काम कहाँ कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ 855 के आसपास में। अगर मुझे जब मैं ट्रेड लूंगा तो ट्रेड ये जो कैंडल है इस कैंडल के बाहर निकलने, किसी आइदर साइड बाहर निकलने के बाद ही लेना बनता है। सो उस हिसाब से थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा बालकृष्ण इंडस्ट्री के अंदर में बिफोर एनी ट्रेड। नेक्स्ट है बंधन बैंक, बहुत बुरी तरह पिटा हुआ है बंधन बैंक। आप देख सकते हैं अक्टूबर से पिटाई चालू है इसकी, जबकि हमारा फॉल तो अभी चालू हुआ है, लेकिन सडन स्पाइक देखने को मिल रहा है, सडन जंप देखने को मिल रहा है। ये मुझे लग रहा है कि इवनिंग स्टार पैटर्न बनाने वाला है। इवनिंग स्टार पैटर्न मतलब हम लोअर ओपन होंगे और नीचे जाएंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है। लेट से क्या हो सकता है, क्योंकि एक बार हो सकता है पुल बैक रैली में ये एक बार फिर से पार्टिसिपेट करे। सो अगर पार्टिसिपेट किया तो 272 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पुल बैक, और अगर फॉल हुआ तो उस केस में आपको 212 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। हम काम कर रहे हैं फिलहाल 251 के आसपास में। HDFC लाइफ मेरा वन ऑफ माय फेवरेट, और HDFC लाइफ के अंदर में हमने लगभग आज तक जितने भी कॉल्स है सब राइट गए हुए हैं। आज का कैंडल देख के ऐसा लग रहा है HDFC लाइफ के अंदर में प्रेशर है। सो प्रेशर इन द सेंस जहां से रिवर्सल लिया हुआ है। सो अब क्या हो सकता है HDFC लाइफ के अंदर में, अगर पुल बैक हो रहा है तो ये अच्छा पार्टिसिपेट करता है, और अगर फॉल होता है तो भी पार्टिसिपेट करता है। सो अगर अब पुल बैक देखने को मिला HDFC लाइफ के अंदर में तो आप 480 का टारगेट लेके मैं काम करने वाला हूँ यहाँ पे, और अगर फॉल हुआ तो 390 का टारगेट देख के काम करेंगे। है 440 पे आसपास में, लगभग 40 रुपए के आसपास का मूवमेंट दोनों तरफ देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं। अगर वीडियो में कुछ आपको पसंद आया रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग अवर टीम। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का अनबायस व्यू डेली मिलता रहे, और साथ में इंटरडे ट्रेड्स के बारे में भी हम बात करते रहे। एक चीज जिसके बारे में शायद मैंने डिस्कस नहीं किया कि 20,000 PE मैंने क्यों खरीदा। सो ये ऑलरेडी अगर 20,000 PE देखे तो मार्केट के अंदर में फॉल दिखना चालू हो गया था, वो एक रीजन था। एट द सेम टाइम ऑप्शन चेन के अंदर में भी थोड़े चेंजेस नजर आ रहे थे, उसके लिए बाय किया मैंने 20,000 PE। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपने किसी तरह की पोजीशन बनाई हुई है उस पोजीशन में आपको किसी तरह का सजेशन चाहिए तो डेफिनेटली डू राइट टू अस, कमेंट सेक्शन में जाके उसे मेंशन करिए, हमें जैसे ही टाइम मिलेगा हम अपना अनबायस व्यू आपको जरूर बताएंगे। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव लवली वीकेंड, एंड आने वाला हफ्ता आपके लिए ट्रेडिंग एज अ ट्रेडर आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।